आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट, आपको पता है, डू यू नो ये अभी क्या आने वाला है? यस, आपको तो पता चल गया होगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने कैप पहनी है, यहाँ पे सब रखा है ना। तो क्या आने वाला है अभी? क्रिसमस। आप एंजॉय करना चाहते हो क्रिसमस? तो आज मैं आपको क्रिसमस के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। हम क्रिसमस के साथ साथ इस 2020 को बाय बाय करने वाले हैं, क्योंकि अभी न्यू ईयर भी आने वाला है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप सबको दीप दर्शन परिवार की तरफ से मेरी क्रिसमस। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है ये ट्री का नाम क्या है? इसको बोलते हैं क्रिसमस ट्री। मैं आपको क्रिसमस ट्री की भी एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आप सुनना चाहते हो ना? ओके। आपने हमेशा क्रिसमस पर घरों में क्रिसमस ट्री को सजाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्रिसमस ट्री क्यों सजाया जाता है? उसके पीछे की वजह, मान्यता या कहानी क्या है? क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों का पावन त्यौहार है, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस त्यौहार को भारत में भी लोग खुशी खुशी मनाते हैं। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन क्रिसमस ट्री को घरों और गिरजाघरों में सजाने का रिवाज है। एक घने जंगल में एक छोटा सा पेड़ रहता था, जो हमेशा एक सुंदर क्रिसमस का पेड़ बनने का सपना देखता था। वह मनुष्य के बीच रहना चाहता था, क्योंकि लोग क्रिसमस ट्री को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। पुराने पेड़ों ने उसे बताया कि मनुष्य के साथ रहने का विचार अच्छा नहीं है, लेकिन वह पेड़ नहीं माना। क्रिसमस से ठीक पहले एक परिवार उत्सव के मौसम के लिए सजाने के लिए एक पेड़ की तलाश में आए थे। बच्चों को छोटा पेड़ अच्छा लगा, उन्होंने उसे ले लिया और उसे अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे रोशनी और खिलौने से सजाया। परिवार और उसके सभी रिश्तेदारों से और दोस्तों ने पेड़ से प्यार किया। वह जनवरी के महीने तक आकर्षण का केंद्र बना रहा था। उसके बाद उसकी पत्तियां गिरने लगी। अब कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन उस परिवार वालों ने उसे उठाकर तहखाने में डाल दिया। देवदार पेड़ बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने उसे फिर मिट्टी में लगाया। उसने अपनी शाखाओं को फिर से पा लिया। उस क्रिसमस परिवार ने उसे फिर से अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे खूबसूरती से सजाया। सुंदर रोशनी के ने एक बार फिर से उसके पूरे शरीर को चमका दिया। उसमें लगे खिलौने से सभी बच्चों ने एंजॉय किया। तब उस क्रिसमस ट्री ने महसूस किया कि पुराने पेड़ गलत थे, मनुष्य भी अच्छे थे। उन्होंने उसकी सारी जिंदगी देखभाल की। देवदार पेड़ किसी के आशीर्वाद, उपहार और जीवन में धीरज रखने के महत्व को समझ गया है। हेलो स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये इसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस ट्री। क्या है ये? क्रिसमस ट्री। क्रिसमस कब आता है पता है आपको? कौन से मंथ में आता है? दिसंबर मंथ में। कौन से मंथ में आता है? दिसंबर मंथ में 25th को क्रिसमस आता है। आपको पता है क्रिसमस की क्यों मनाते हैं? क्रिसमस के दिन हम जीसस बोलते हैं ना, जैसे लॉर्ड कृष्णा होता है, लॉर्ड शिवा होता है, वैसे लॉर्ड जीसस होते हैं। क्या है उसका? उस दिन बर्थ डेट है। आप दिन आपको भी बर्थडे मनाते हैं ना, तो क्रिसमस के दिन हम लोग जीसस का बर्थडे मनाते हैं। इसलिए हम लोग उस दिन क्या करते हैं? रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, रेड कलर का। और कौन कौन आता है पता है आपको? सांता क्लॉज आता है। वो सबके लिए क्या लेके आता है? गिफ्ट लेके आता है। क्रिसमस क्यों मनाता है आपको पता है? क्रिसमस के दिन सबको हम प्यार बांटते हैं। क्रिसमस के दिन हम सबको प्यार बांटते हैं, सबको मिठाई बांटते हैं, एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। सब क्रिसमस जीसस क्यों आए पता है? सबको प्यार सिखाने के लिए आए थे, और कुछ सिखाने के लिए नहीं आए थे। सबके साथ प्यार से रहने के लिए, सिखाने के लिए आए थे। तो हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? जीसस का उस दिन बर्थडे होता है, इस दिन इसलिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। आपको भी अच्छे से घर पे क्रिसमस मनाने के लिए, मतलब ये सब क्रिसमस ट्री होता है। और क्या है? तो सबके साथ प्रेम से रहना है, सबके साथ अच्छे से घुल मिल के रहना है। ये क्रिसमस के दिन
जो जीसस है ये सबके सबको सिखाने के लिए आए थे, है ना। तो हर साल 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, है ना। सबको समझ में आया ये स्टोरी, वेरी गुड। तो आज हम ये क्या है क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्रिसमस की स्टोरी सुनी सांता क्लॉज की, अब हम लोग राइम्स करने वाले। तो आपको पता है क्रिसमस की कौन सी राइम आती है? जिंगल बेल। हाँ, तो आपको भी मेरे साथ जिंगल बेल वाली राइम्स करना है विथ एक्शन। ओके, आर यू रेडी? डू यू एंजॉय विथ मी? जिंगल बेल्स। हेलो स्टूडेंट, आपको पता है ना अभी क्रिसमस के बारे में आपको पायल मैम ने बोला, परी मैम ने बोला और हमारी भावना मैम ने आपको रैम सिखाई। आपको ये सॉन्ग्स याद करना है और बोलते रहना है घर में। जब भी आप स्कूल में आओगे तो मैं आपको पूछूंगी कि क्रिसमस के आपको जो सॉन्ग सिखा था भावना मैम ने, आपको याद है? आपको याद रखना है और घर पे क्रिसमस के दिन आपको बोलना भी है। तो आज हम एक्टिविटी करेंगे। देखो यहाँ क्रिसमस ट्री बनी है, सेंटा बने हैं, हाउसेस बने हैं, है ना, दिख रहा है ना। तो वैसे हमें पिक में करना है, ये पिक में हमें कलर करना है और डेकोरेशन करना है। पहले हम नर्सरी के बच्चों के लिए सिर्फ कलर रखते हैं, तो इसमें नर्सरी और जूनियर के बच्चों को इसमें क्या करना है, कलर करना है ट्री में। ओके, नाउ स्टार्ट। पहले हम स्टार में गोल्डन कलर करेंगे। यहाँ देखो स्टार बना है ना ट्री पे, यहाँ पे बना है देखो स्टार, वैसे हमें यहाँ पे भी करना है। फिर हम डार्क ग्रीन कलर लेंगे और जो डिजाइन है उसके साइड साइड में हम डार्क कलर करेंगे और जो सर्कल दिए है उसमें हम अलग अलग कलर करेंगे। आपने देखा होगा ना ट्री पे लाइटिंग लगी होती है, देखा है ना आपने, हमेशा अपने कार्टून में देखते होगे, सारे कार्टून में अभी देखो क्रिसमस की तैयारी दिखा रहे होगे कि क्रिसमस आ रहे है, सेंटा आ रहे है। आपको पता है बच्चों हमारे सेंटा कौन है? हमारे सेंटा तो हमारे मम्मी पापा ही है, जो हमारे बिना मांगे ही हमें सब कुछ लाके देते हैं, है ना, लाके देते हैं ना मम्मी पापा के मांगने से पहले आपके बर्थडे पे, ऐसे ही। तो ऐसे आप अच्छे अच्छे घर पे बैठ के स्टडी करो तो मम्मी पापा आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे, मैम आपको स्टार देगी, है ना, और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आपको घर पे रह के हर सेलिब्रेशन मनाना है। ऐसे तो हम स्कूल में मनाते ही थे, अगले साल जब स्कूल चालू हो जाएगी तब तो सेलिब्रेशन करेंगे ही, पर अभी आपको घर पे रह के ही सेलिब्रेशन करना है और ऐसे कलर करके आपको अपनी अपना पिक मैम को भेजना है अच्छे से। और आपको कलर एक लाइन में ही करना है, मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, फिर भी कुछ बच्चे कलर अच्छे से नहीं कर रहे, आपको ध्यान देना है कलर करने में भी। ये जो देखो पूरे ट्री में स्टार बने हैं, सर्कल्स बने हैं, उसमें हम अलग अलग कलर करेंगे। अभी जो सर्कल बने हैं उसमें हम अलग अलग कलर करेंगे। ये देखो मैंने पहले रेड किया, फिर पिंक किया, फिर गोल्डन किया, उसके बाद मैंने सिल्वर किया। आपको कलर्स के नाम तो पता ही है ना, आपको भी ऐसे ड्राइंग बना के आपको घर पे सेलिब्रेशन करना है। आपको पता है हम हर सेलिब्रेशन क्यों करते हैं? ताकि हम प्यार से रह सकते हैं, हिल मिल सकते हैं और हमारे पूरे लाइफस्टाइल में फेस्टिवल इसलिए मनाते हैं ताकि हम थोड़ा माइंड फ्रेश हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आपको हर सेलिब्रेशन करना है घर पे रह के ही करना है,
ऐसे तो स्कूल चालू होते तो अब तो हम करते ही है आपके साथ। ये देखो ये हो गया, जो अभी स्टार बना है उसमें हम गोल्डन कलर कर देंगे। ये पिक ऐसा नर्सरी और जूनियर के बच्चों को करना है और सीनियर के बच्चों को डेकोरेशन करना है जो मैं अभी दिखाऊंगी। अभी हम यहाँ नीचे ऐसे ब्राउन कलर करेंगे। देखा है ना अपने पेड़ के ट्री के नीचे ब्राउन कलर होता है इस तरह से। ये देखो ये हमारा ट्री हो गया है। ये हमारे नर्सरी और जूनियर के बच्चों को है। आपको पिक ऐसे पकड़ के पिक निकालना है, सिर्फ इसका पिक नहीं भेजना है। ओके बच्चों, अभी सीनियर वाले बच्चों की एक्टिविटी देखेंगे हम। पहले हम यहाँ पे गोल्डन कलर करेंगे, फिर यहाँ रेड कलर करेंगे। इस तरह से उसके बाद हम ग्रीन कलर करेंगे। आप कलर करते हो उससे आपका क्या होता है, माइंड शार्प होता है, आपका कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है और ड्राइंग करने से मूड फ्रेश हो जाता है। इसलिए तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज कराते हैं कलर्स की। अभी नीचे हम ये ब्राउन कलर करेंगे। यहाँ पे हम सिल्वर कलर करेंगे। अभी हम ये बल्ब से कलर करेंगे। और आपको बोलना है आपको एक्टिविटी कैसे लग रही है, व्यूज कैसे आ रहे हैं। आपको मैम को कॉल करके पूछना है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको अपनी मैम को कॉल करना है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया कैसे करूं। अभी हम इसमें स्टार और डायमंड्स लगाएंगे। ये देखो ऐसे आपको ट्री को डेकोरेट करना है। आपको ऐसा नहीं कि मैम ने ये यूज किया तो हमको भी ये यूज करना है। आपके घर में जो भी पड़ा है, जो बिंदी पड़ी है कलर्स की या स्टार पड़े हैं तो आप कर सकते हो इस तरह से। आप पेपर से भी गिफ्ट बना सकते हो। इस तरह से आपको लगाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैम ने यही लगाया तो हम जिद करके पापा या मम्मा से मंगा लें। मम्मी पापा जो आपको हेल्प करे बनाने में वो आपको करना है। अभी ये देखो ये सेंटा है। ये सेंटा अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी। अब हम ऊपर ये सेंटा लगाएंगे इस तरह से। देखो अब ये जो गिफ्ट बने हैं यहाँ पे मैं ये गिफ्ट पेस्ट कर दूंगी इस तरह से। इस तरह से हम ये गिफ्ट पैक कर दिया। ये देखो यहाँ पे जो बॉल्स बने थे वैसे बॉल्स में लाई हूँ। आप ये पेपर बॉल्स भी बना सकते हो। मैंने एक बार आपको दिखाया था पेपर बॉल बनाना। इस तरह से आप ये लगा सकते हो।
लिए मैरी क्रिसमस हम लगाएंगे। ये देखो हैप्पी मैरी क्रिसमस यहाँ पे मैंने लगा दिया है। इस तरह से हमारा ये पिक रेडी हो गया है। अच्छा लग रहा है ना बच्चों? ये क्या है? सेंटा है ना सेंटा। तो आपको ऐसे ही घर पे रह के कलर्स की एक्टिविटी करनी है, क्रिसमस मनाना है। आप सबको हमारे दीप दर्शन परिवार की तरफ से, हमारे सारे टीचर्स की तरफ से मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। ओके बच्चों, Wish you a Merry Christmas and Happy